लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन पैड के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से पिंक नामक संस्था ने सैनिटरी पैड कैंप का आयोजन किया। लड़कियों को कपड़े का प्रयोग न करके बीमारियों से बचने के लिए जागरूक किया गया। पैडमैन फिल्म में दिखाए जाने वाले पैड के बारे में लड़कियों को अवेयर किए जाने की प्रेरणा लेकर शारीरिक व मानसिक तौर पर मजबूत बनाने के उद्देश्य से पिंक संस्था ने एक फ्री पैड लड़कियों के लिए उपलब्ध करवाया है कि हर महीने आने वाले पीरियड के दौरान लड़की को किस तरह से उसका सामना करना पड़ता है, उस समय वो सही सैनिटरी पैड का प्रयोग करे और कपड़ा प्रयोग ना करे। इनके प्रयोग करने से अनेकों प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, जिसके कारण कई लड़कियों की मौत हो जाती है। गरीब परिवारों व स्लम एरिया में लोगों व लड़कियों में पैड के बारे में जागरूकता की काफी कमी है, इसलिए हम पहले शुरुआत में लड़कियों के कॉलेज से शुरुआत करके हर वो जगह कैंप लगाएंगे जहां पर लड़कियों व उनके माता पिता को पैड के बारे में जागरूक कर सके। संस्था का उद्देश्य ये है कि लड़कियों व बेटियों को पैड से होने वाले फायदों के बारे में पता चले। जैसे कि हम सब जानते हैं, कुछ दिनों से मन थोड़ा परेशान चल रहा था ये आंकड़े जानकर कि बच्चों को सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में मालूम भी नहीं है। तो ये एक पिंक संस्था है, एनजीओ है, इन्होंने हमें अप्रोच किया कि हमारा गर्ल्स कॉलेज है तो हम एक अभियान शुरू करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से यहाँ डोनेशन सैनिटरी नैपकिन्स की हम ले भी रहे हैं और जिन बच्चों को और बाहर के लोगों को जिनको चाहिए हम उनको सैनिटरी नैपकिन्स दे भी रहे हैं। तो ये एक हाइजीन के अवेयरनेस कैंप है जिसके माध्यम से हम बच्चों को अवेयर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब से ये पैडमैन रिलीज हुई है तब से ये जागरूकता ज़्यादा आई। मोटिव ये है कि हाइजीन को प्रमोट करना मोटिव है इसका, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जानकारी और इसका लाभ उठा सके। वाकई उनको बहुत कुछ नहीं मालूम था, तो अब जब ये कैंप लगा हुआ है तो उनको जो जागरूकता है वो बढ़ गई है बच्चियों की। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो हमारा इंडिया जो है यहाँ पर लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है सैनिटरी पैड्स को लेकर। अभी भी 87% इंडियन वीमेन्स जो है दे आर नॉट अवेयर कि सैनिटरी पैड्स है क्या, वो आज भी कपड़ा यूज़ करती हैं। कुछ स्लम एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पे वो गोबर के उपले, मिट्टी, पत्ते, पॉलिथिन ये सब यूज़ करती हैं, जिससे उनको बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि उनके पास इलाज के भी पैसे नहीं हैं। अगर बीमारी हो गई तो वो इलाज कैसे कराएंगे। तो अभी हमारा बेसिक आइडिया यही है कि हम उन गरीब लड़कियों को, महिलाओं को सैनिटरी पैड फ्री में बांट सकें, और थोड़े टाइम में हम ये करेंगे कि हम उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट देंगे, उन्हीं से ही हम ये बनवाएंगे ताकि उनको पैसा मिले, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और उनके लिए भी ईजी हो जाए थोड़ी उनकी लाइफ, साथ में हमारे लिए भी ईजी हो जाएगा हमें डोनेट करना, क्योंकि ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। वो हम जो बनवाएंगे वो बायोडिग्रेडेबल बनाएंगे ताकि उनको डिस्पोज भी ईजीली किया जा सके। कैंप्स लगाएंगे और उसके बाद हम एक डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव भी करेंगे, जहाँ पर जो हमने आज कलेक्शन की है वो हम वहाँ जाके लोगों को देंगे, डॉक्टर्स को लेके जाएंगे ताकि वो उनको समझाएं कि इन्हें यूज़ कैसे करना है, इसकी क्या ज़रूरत है, कपड़ा कितना अनहाइजीनिक है, जो बीमारियां इससे होती हैं उससे वो कैसे बच सकती हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है, वो खुद भी काफ़ी गरीब घर से आई है, थोड़ी स्लम एरिया से है, उनके पास 10 है 20 है 30 है जितने भी वो दे सकती थी उन्होंने हमें हेल्प किया है। स्टाफ ने हमें बहुत हेल्प किया है, हम इतनी अच्छी कलेक्शन कर पाए हैं उनकी हेल्प से, एंड आई बिलीव कि वो आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे।